भी अच्छा अच्छा अब तो अभी हटा रहे ना, अभी आ रहे हैं 10 मिनट। हाँ अभी 10 मिनट में आ रहे इसकी गणपति के साथ फोटो गणपति जी बड़े प्यारे। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे घर पे बप्पा जी आए हैं। और कल रात से तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, मैं सोया नहीं हूँ। 5 बजे उठ के मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर लव यू और ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है। और मेरी भी आज इतने बड़े दिन पे शुरुआत हुई है कुणाल के घर से ही। मैंने कुणाल को प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले तुम्हारे घर पे जाऊंगी क्योंकि तुम नियर बाय रहते हो। तो तुम्हारे घर से दर्शन स्टार्ट करके जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, कोशिश करूंगी कि सबके घर पे मैं आज जाऊं और जाके बप्पा के दर्शन कर सकूं। और कौन मेहमान आया है स्पेशल, नया नया, उससे भी तो मिलवाइए। एक स्पेशल मेहमान आया है जिसको देखकर मेरे दिन की डेली शुरुआत होती है, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब और आप कह सकते हैं कि मेरी बेटी है। माई फर्स्ट डॉटर इज फ्लफी। तो ये बिना शादी के डॉटर है लवी, आपसे यही पूछना चाहूंगा। हां फ्लफी बहुत क्यूट है ये। से हाय तो आज फाइनली फ्लफी ने भी मेरे साथ बप्पा के दर्शन किए हैं। देख सकते हैं आप कितनी सुपर एक्साइटेड है ये। एक्साइटेड कुछ बोलना भी चाह रही हो शायद, वो कांप रही है बेचारी। हमने देखा फ्लफी का आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है। इसके लिए उतनी एक्साइटेड आप देख सकते हैं। उसके लिए आज क्लिप्स लगा के आई है दो दो और बात करके, फिर उसका स्पा हुआ है, उसकी नेल कटिंग आज हुई है। तो फ्लफी इज ऑल सेट फॉर गणपति एंड शी इज मोर एक्साइटेड देन मी, आप देख सकते हैं। आप दोनों का स्केड्यूल इतना बिजी रहता है और आपने इतना टाइम निकाला दोनों ने, तो उसके लिए कैसे हैंडल करेंगे आप? बप्पा को लाए हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ लाना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? कुणाल के रूममेट हैं जो उसके ब्रदर की तरह ही हैं, छोटे भाई हैं उसके, बहुत क्लोज हैं उसके। तो ये है होता है कि अगर घर पे कोई है तो आप मतलब टेंशन फ्री रह के आप शूट कर सकते हैं और दिन में कहीं बाहर जाना जा सकते हैं, तो वो है। नो वरीज। तो हमने देखा कि कुणाल ने
और उनके एक बाकी हेल्पर रास्ता भी तो हैं घर पे जो उनका पप्पा खुद ही फूड से निकाल देंगे। लेके घर का सब कुछ संभालते हैं। तो प्लीज भैया आप भी आ जाइए, अरे प्लीज राजीव, कम राजीव एक मिनट आना। आइए। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम जो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं, जी मैंने भाई सुना आप है। बहुत और मेहनत मैं आज करते कुलाल के घर हैं। पे फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड आई विश आई विल कम अगेन, हाँ और उनके घर हाथ का खाना खाऊंगी मैं। पक्का बप्पा तो आ चुके हैं, अब आप क्या विश मांगेंगे बप्पा से? जी सारी जो भी मैं मतलब लाइफ में बस अच्छा ही करूं और हमेशा करता रहूं, और ये भी बहुत अच्छा करें लाइफ में, बहुत आगे जाएं, थैंक यू तरक्की सो मच। करें, मैं भी बहुत तरक्की करूं, ये भी बहुत तरक्की करें, ये भी बहुत बेसिकली आगे जाएं, आप सब लोग आगे जाएं। कुणाल सबके लिए विश मांग रहे हैं कि हाँ सबकी तरक्की हो, हाँ पप्पा सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मुंबई में हमने देखा है बहुत स्पेशली पप्पा को बुलाते हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। आपका कुणाल के साथ पहला गणेश चतुर्थी है? क्योंकि मुंबई में कुणाल ने फर्स्ट टाइम ही हाँ रखी फर्स्ट है टाइम तो ही रखी इसलिए है। मेरा फर्स्ट मतलब विजिट है कुणाल के यहाँ पर। और रही बात फेस्टिवल की मुंबई में, तो आप देखें कि जितने भी फेस्टिवल आते हैं, अब इसके बाद आएगा डांडिया, फिर उसके बाद आता है दिवाली, तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं मुंबई वाले। तो यहाँ और हम भी कोशिश करते हैं कि जितने भी हाँ हम को एक्टर्स हैं सब मिलकर जाएँ और इन्जॉय करें हर एक फेस्टिवल। हमेशा किस तरह से मनाते हैं आप गणेश चतुर्थी? सी मैं तो जब भी मतलब ऑन सेट जब हम शूट करते हैं तो वीकली हम ट्राई करते हैं, हम ट्यूसडे नाइट निकलते हैं, हाँ कुणाल हो गया, मैं हो गई, कभी सोनम आ जाती है, सोना है, देन करण है जो संस्कार प्ले कर रहा था, तो हम सब ग्रुप में, इनफैक्ट ये हैं, तो हम सब ग्रुप में मिलकर जाते हैं और पप्पा के दर्शन करते हैं। तो इस बार फाइनली कुणाल का बहुत मन था कि वो घर पे रखें पप्पा को, लाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स लें, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम रखा है। और मेरा हम सब सपना पूरा मिलके, भी हो हाँ सपना गया, पूरा रखा भी हो भी गया, और होगा। हम सबकी सपोर्ट हमेशा उसके साथ है बिकॉज ही इज़ अ वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड। थैंक यू सो मच। चलिए अब अपने एक बार गणपति बाप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज यूनिवर्स हमें हमारा प्यार दिलाने के लिए आप जिस तरह से आप हमें प्यार प्यार करते दे रहे हैं हैं और भी उसी देते तरह रहिए देते हमेशा। रहिए और आप भी फिर अपने घर पे अपने फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, बप्पा बिल्कुल को लाइए और जितने जितना हो सकता है बप्पा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और धूमधाम से गणपति बप्पा को एंजॉय कीजिए और फेस्टिवल भी। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। थैंक यू। कुणाल और मेहमान आ चुके हैं आपके घर पप्पा के दर्शन जी करने बहुत के अच्छा लिए। लग रहा है कि पारस प्रताप दोनों आए, मेरे दोनों भाई जैसे हैं ये, और ये तो मेरा सलमान भाई और ये तो तीनों ही है, शाहरुख आमिर सलमान, अब तो ये तीनों बन गए। बस ये कहना चाहेंगे आज हम लोगों ने गणपति की शुरुआत करी है वो कुणाल के घर से ही करी है। दिस द फर्स्ट टाइम कि हम लोग घर से निकले, सबसे पहले कुणाल को फोन किया कि हम तेरे घर आ रहे हैं और पहले दर्शन हमने कुणाल के घर के जो गणपति जी हैं उनके किए। सो मैं यही ख्वाहिश करता हूँ और दुआ करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि इसकी ज़िंदगी को बहुत सफल बनाए, हम दोनों की भी ज़िंदगी को बहुत सफल बनाए और आने वाला साल, आने वाले कई साल बहुत अच्छे हों और हम लोग सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएँ और अच्छा काम करते जाएँ। हम प्रताप से बात करना चाहेंगे, बड़े शर्मीले शर्मीले से। हाँ भगवान को देख के क्या है कि मैं शर्म आती है, मैं इतने गंदे काम करता हूँ लाइफ में तो इनको फेस नहीं कर पाता मैं, और बस यही है इतने इस मुंह से इनसे मैं क्या मांगूं, मैं तो माफी मांगता हूँ। ये जैसे हम लोग जैसे गणपति सेलिब्रेट करते हैं तो ये बॉम्बे में आने के बाद ही सेलिब्रेट करने लगे, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस है, बाकी ये मानता बहुत है चीज़ों को, प्रे भी करता है और मेरे शायद हम दोनों से ज़्यादा ही प्रे करता हूँ चीज़ों के लिए भगवान से, तो ये चीज़ है। आई थिंक आज थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इसको कैसे कहते हैं, बाकी इज गुड इन ऑल द थिंग। थोड़ा भावुक हो गया मैं, सुन नहीं रहा तो मैं इमोशन हो गया हूँ आज की यार, मेरे को ये देखो इग्नोर कर चला गया। लड़कियों और लड़कों में ये फर्क होता है, गणपति हो कुछ भी हो, लड़की आती लड़का बदल जाता है। देखो इसकी अभी खुलेगी जबान।
एक मेरी बॉयफ्रेंड एक और मेहमान आ चुके हैं हमारे पास, सब हम उनसे बात। हेलो हेलो, सो आई एम सो ग्लैड काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, हमेशा सब फाइन मिल रहे हैं, सब गुड। और बहुत अच्छे लगे समय पहले दर्शन करके। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 3 ईयर्स से जब से हम लोग बॉम्बे में हैं, तो मेरा बड़ा भाई है वो रखता था गणपति पे, तो और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो लोग रखते हैं घर पे, तो हम लोग जाते हैं। और आई थिंक बॉम्बे में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को माना जाता है या किसी भगवान को सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो गणपति भगवान है, चाहे वो सिद्धिविनायक हो चाहे वो कुछ भी हो, तो गणपति बापा को मान कर ही हम हर काम की शुरुआत करते हैं। तो आई होप गणेश चतुर्थी हर साल का शायद पहला दिन भी माना जाता है, अगर हम ईयर अपने पुरानी ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गणपति ये दिन जो होता है वो साल का पहला दिन भी माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग शुरुआत करते हैं कि पहला दिन गणपति बापा से शुरुआत हो हमारी। और जैसा कि पूरे संसार में सब लोग जानते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले आप अगर गणपति बापा का नाम लेते हो तो आपका काम हमेशा सफल हो जाता है। तो इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और दोस्त के घर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बैठते हैं, दर्शन करते हैं, और हमारा साल बहुत अच्छे से निकल जाता है। पापा से क्या विश करना चाहेंगे? बस यही विश करना चाहते हैं यार, हम लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें। थैंक यू।